हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी की सेक्शन 367 से सेक्शन 374 तक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सेक्शन 367 कहता है, किडनैपिंग और एबडक्शन इन ऑर्डर टू सब्जेक्ट पर्सन टू ग्रीवियस हर्ट, स्लेवरी एक्सेट्रा। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को व्यापहरण और अपहरण इसलिए करता है कि वह उसकी घोर उपहत्य कारित करे या उसे दासत्व के लिए ले करके जाए, या प्रकृति के विरुद्ध उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, अगर इन तीन कार्य के लिए, जैसे घोर उपहत्यकारित करे मतलब उसको कोई क्षति कर दे, बहुत अधिक क्षति कर दे, उसको शारीरिक क्षति कर दे, और उसे गुलामी के लिए, दासत्व के लिए ले जाए, बेच दे या रखे, और या तो उससे प्रकृति विरुद्ध अननेचुरल सेक्स करने के लिए, इन कार्य के लिए अगर कोई व्यक्ति को कोई व्यापहरण या अपहरण, किडनैपिंग या इंडक्शन करता है, तो उसे 10 साल की कठोर सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 368 कहता है, रॉन्गफुल्ली कंसीलिंग और कीपिंग इन कन्फाइनमेंट किडनैप्ड और एबडक्टेड पर्सन। सेक्शन 368 कहता है कि किसी व्यक्ति जानता है कि उसे व्यापहरण या अपहरण करके लाया गया है, और उसके बावजूद वह व्यक्ति उसे संदोष छिपाता है, परिरुद्ध रखता है, बंदी रखता है, जबकि उसे मालूम है कि इसे व्यापहरण और अपहरण करके लाया गया है, उसके बावजूद वह उसे संदोष छिपाता है दुनिया की नजर से, और या उसे बंदी बना करके, परिरुद्ध करके रखता है। अगर ऐसा कोई अपराध करता है तो उसे 10 साल के कठोर कारावास और सजा जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 369 कहता है, किडनैपिंग और abducting child under 10 year with intent to steal from its person। इसमें कहा गया सेक्शन 369 में, 10 साल से कम बच्चे को, 10 साल से कम शिशु को अगर कोई व्यक्ति इसलिए व्यापहरण या अपहरण करके ले जाएगा कि उसके शरीर से कोई ऐसी जंगम चीज, कोई ऐसी मूवेबल चीज जो उसके पास है, वह उसे बेईमानी से ले ले। सपोज करते हैं कि कोई 10 साल से छोटा बच्चा चैन पहने हुए, गोल्ड चैन पहने हुए है, या गोल्ड पायल पहने हुए है, अगर ऐसे, और उस बच्चे को कोई व्यक्ति व्यापहरण या अपहरण बिना उसके गार्जियन की मर्जी के या जबरदस्ती ले करके जाता है और उसे बेईमानी से ले लेता है, छीन लेता जो उसने अपने शरीर पर पहन रखा है, तो उसे 7 साल की सजा और जुर्माना, ये दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। ये सेक्शन 369 कहता है। सेक्शन 370 ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, व्यक्ति का दुर्व्यवहार, इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 370 की, व्यक्ति का दुर्व्यवहार। अब इसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को शोषण करने के प्रयोजन से, अब शोषण कैसा होगा, शोषण करने के प्रयोजन से, जैसे धमकी दे करके उसे ले करके जाए, बल या प्रताड़ित करके उसको ले जाए, अपहरण करके उसको ले जाए, कपट का प्रयोग करके उसे ले जाए, या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे, मतलब पुलिस के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा या किसी पावरफुल व्यक्ति के द्वारा उसे उठा करके ले जाए,
उसके उत्प्रेरण के द्वारा उसको इतना प्रताड़ित करे वो उसके द्वारा ले जाए। अगर इसमें इन किसी भी विधि से किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति शोषण के प्रयोजन से ले जाता है और उसे या उन व्यक्तियों को 2, 4, 10 जितने लेकर के जा रहा है, एक ले जा रहा है, इस प्रयोजन से के लिए उन्हें अपने पास भर्ती करता है, अपने पास रखता है या परिवहन करता है, मतलब जहाज से, पानी जहाज से, गाड़ी से, किसी से उसको भेज देता है या उन्हें संश्रय देता है या उन्हें सब ऐसा करने के अपने पास रख लेता है या उनको अपने पास से दूसरी जगह भेज देता है, स्थानांतरित कर देता है या वहां दूसरी जगह से वो ऐसे लोगों को प्राप्त करता है जिसने भेजा और दूसरे ने उसे प्राप्त करा, तो वह दुर्व्यवहार करता है, ऐसा अपराध कहा जाता है। अब इसमें आता है कि ये दुर्व्यवहार कैसे कैसे होगा। अगर उसने एक व्यक्ति के साथ में ऐसा किया और एक व्यक्ति को ले करके गया, एक व्यक्ति का शोषण के प्रयोजन से ये कार्य किया, तो उसे 7 साल से कम नहीं होगी और जो सजा 10 साल तक होगी उससे और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर वह एक बार में एक से अधिक व्यक्ति को ले करके जाता है इस कार्य के लिए शोषण के प्रयोजन से, तो उसे 10 साल से कम सजा नहीं होगी और आजीवन कारावास तक सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। अगर यही काम जो शोषण या के प्रयोजन से अवयस्क है उसको लेकर के जा रहा है, जो अवयस्क है, तो उसे 10 साल की सजा से कम नहीं होगी और जो आजीवन सजा तक जा सकती है और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। अब एक ही बार में एक से अधिक वयस्कों को, मतलब ज्यादा पर्सन को लेकर के जा रहा शोषण के प्रयोजन से धमकी द्वारा, जो भी मैंने बताया कि धमकी और बल अपहरण कपट और शक्ति का दुरुपयोग उत्पीड़न के द्वारा उनको लेकर के जा रहा है एक बार में एक से अधिक वयस्कों को, मतलब 2, 4, 10, 50 लेकर के जा रहा है और वह व्यक्ति ऐसा अपराध करता तो उसके लिए कम से कम 14 साल की सजा और आजीवन सजा तक हो सकती है, जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। अब एक बार में एक से अधिक अवयस्कों को ले जाए, अभी वयस्कों को ले जा रहा था, अब क्या कर रहा है, अवयस्कों को लेकर के जा रहा है, जो एक से अधिक हैं, उनको लेकर के जा रहा है अगर वह शोषण के प्रयोजन से, तो उसे शेष नैसर्गिक जीवन का मतलब जितनी उम्र है उसकी, वह तो है ही, उसके बाद जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, शेष नैसर्गिक जीवन जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक और उसके बीच में उसे जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। अब आती है लोक सेवक या पुलिस अधिकारी, जो इस शोषण के प्रयोजन से जो कार्य किया जा रहा है, कोई व्यक्ति कर रहा है, उसके साथ में लोक सेवक या पुलिस अधिकारी भी इन्वॉल्व हो जाता है। अगर वो लोक सेवक या पुलिस अधिकारी इन्वॉल्व हो जाता है और वह यह कार्य कराने लगता है या करता है, तो उसे लोक सेवक या पुलिस अधिकारी को शेष नैसर्गिक जीवन, मतलब जितनी उम्र है वो तो है, उसके बाद जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक के लिए उसे सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। तो सेक्शन 378 सेक्शन है, इसमें शोषण के प्रयोजन से किसके द्वारा, धमकी के द्वारा, बल के द्वारा, प्रताड़ना के द्वारा, अपहरण करके, कपट करके, दुरुपयोग करके या अपनी शक्ति दिखा करके या उत्प्रेरित करके किसी व्यक्ति को अपने पास भर्ती रखता है या भेजता है या संश्रय देता है या एक जगह से दूसरी जगह भेजता है या दूसरी जगह से वहां लेता है, ऐसा कोई दुर्व्यवहार करता है तो उनके लिए ये दंड होंगे। अब बताती सेक्शन 370A। सेक्शन 370A कहता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ए ट्रैफिकिंग पर्सन, ट्रैफिकेटेड पर्सन। 370A कहता है कि जो व्यक्ति ये जानता है कि अवयस्क के साथ में दुराचार किया गया, दुराचार अभी 370 में आ गया, कि अगर उसको जानता है कि इसके साथ में दुराचार किया गया है और ऐसे दुराचार किए गए बच्चे के साथ में, अवयस्क के साथ में, वह व्यक्ति यौन शोषण के लिए संलग्न करता है, यौन शोषण के लिए उसे प्रेरित करता है,
तो वह 5 साल से 7 साल के बीच की सजा, उसको दंड दिया जाएगा और जुर्माना से भी दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर यही चीज, ये तो हो गया अवयस्क के साथ में करता है, अगर वयस्क के साथ में जिसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है उसको कोई ले करके जाता है और उसे पता चल जाता है कि इसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है या ये जबरदस्ती लाया गया है और उसके साथ में भी यौन शोषण के लिए वो कार्य करता है, तो उसे 3 साल से 5 साल के बीच की सजा और जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 371 कहता है हैबिचुअल डीलिंग इन स्लैब्स। सेक्शन 371 कहता हैबिचुअल डीलिंग इन स्लैब्स, दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना, जो दास है जिनको गुलाम बनाया गया है उनके साथ में जो आदतन जो स्लेव्स हैं, जो दास हैं, उनको इंपोर्ट किया गया, आयात किया गया या एक्सपोर्ट किया गया, निर्यात किया गया, अगर ऐसे किसी कार्य में कोई व्यक्ति खरीदेगा इन दासों को या बेचेगा या इनके साथ दुर्व्यवहार करेगा, दासों के साथ में खरीदेगा या बेचेगा या उनको दुर्व्यवहार करेगा, तो उसे आजीवन कारावास या 10 साल का कठोर कारावास, जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 372 कहता है सीलिंग माइनर फॉर पर्पजेज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एक्सेप्टर, मतलब वैश्यवृत्ति के प्रयोजन के लिए अप्राप्त वह, मतलब माइनर को बेचना, वैश्यवृत्ति के प्रयोजन के लिए माइनर को बेचना। जो बच्चा, जो बालक या जो व्यक्ति 18 साल से कम का है, कोई व्यक्ति जो 18 साल से कम है, अप्राप्त वयस्क है, माइनर है, उसे अगर कोई व्यक्ति वैश्यवृत्ति के लिए अयुक्त संभोग की अभी पहले बात कर चुके हैं कि बिना शादी के उससे पत्नी के जैसे ही संभोग करना, मतलब उसी तरह से उसे संभोग करना, उसी तरह से रखना जैसे पत्नी से कोई व्यक्ति सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, उसी तरह से करता है, अयुक्त संभोग करता है, या विधि विरुद्ध और दुराचारिक प्रयोजन से उसको ले करके जाता है, अगर इसके लिए ले जाया जाएगा, बेचा जाएगा या भाड़े पर देगा, किसके लिए, वैश्यव्रत के लिए, अयुक्त संभोग के लिए, विधि विरुद्ध दुराचारिक प्रयोजन के लिए, अगर इन 4 बातों के लिए कोई व्यक्ति किसी अप्राप्त वय माइनर को ले जाएगा, बेच देगा या भाड़े पर दे देगा, अगर ऐसा कृत्य करता है तो उसे 10 साल की कठोर कारावास और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 373 में कहा बाइंग माइनर फॉर पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एक्सेट्रा। सेक्शन 373 में, ये 732 में कह दिया था कि स्टीलिंग माइनर्स पर्पजेज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, सेक्शन 372 में कहा कि माइनर के लिए, सेक्शन 373 में कहा कि जो मेजर हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं, उनके लिए अगर कोई वैश्यवृत्ति के लिए अयुक्त संभोग या के लिए या विधि विरुद्ध दुराचारिक प्रयोजन के लिए अगर कोई व्यक्ति उनको खरीदता है, पहले वाले में आया कि बेचता है, दूसरे वाले में आया कि खरीदता है, भाड़े पर लेता है या उनको कब्जे में प्राप्त करता है, इसमें माइनर ये भी है, 73 में भी माइनर है, उसमें 72 में था कि बेचेगा, इसमें है खरीदेगा, अगर कोई खरीदता है, भाड़े पर लेता है और अपने कब्जे में रखता है उन्हें, तो उन्हें 10 साल का कठोर कारावास और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 374 में कहा अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर, व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे काम कराना, श्रम कराना, विध विरुद्ध तौर पर उसे विवश करना कार्य करने के लिए, अगर किसी की इच्छा के विरुद्ध कोई व्यक्ति कार्य कराने के लिए उसे प्रेरित किया जाता है तो उसे 1 साल की सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। तो ये बात सेक्शन 367 से सेक्शन 374 तक उम्मीद है कि क्लियर हो गई होगी। अब सेक्शन 375 बालात्संग या रेप क्या होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।